हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिना किसी लापरवाही से आप सब लोग अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप सबका टाइम किस तरह से बीत रहा है जब पूरी फैमिली घर पे है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक दो बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी वक्त हो वो कभी भी रुकता नहीं है। ये भी एक वक्त है, बीत जाएगा। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, हमें लगता है कि अच्छा वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो बीतने का नाम नहीं लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स हैं। वक्त कोई भी नहीं रुकता है। ज़रूरत है तो हमें पेशेंस रखने की, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। हम फाइट करेंगे और पक्का इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे हैं, जिनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा है, वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। गवर्नमेंट जो उनके लिए करेगी वो तो करेगी ही, लेकिन अपने लेवल पे जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने लेवल पे जितना भी हम कर सकें, जिसकी भी हम हेल्प कर सकें, ज़रूर करनी चाहिए। और कुछ नहीं तो स्पेशली मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं, जो मेड्स हमारे घर पे आती हैं साफ़ सफाई के लिए, प्लीज़ उनकी सैलरी मत काटिएगा। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि अगर 10-15 दिन की छुट्टी भी कोई मेड लेती है तो कुछ लोग उनकी भी सैलरी काट लेते हैं। इंडिया में वैसे भी लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, घर के काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट वो हमसे लेते हैं और उस छोटे से अमाउंट से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका पूरा घर चलता है। इस टाइम पे वो लोग भी सेफ रहें, हम लोग भी सेफ रहें, इसलिए हमने उनको थोड़ा ब्रेक दिया है। लेकिन इस ब्रेक टाइम की उनकी सैलरी प्लीज़ मत काटिएगा, उनको उनकी पूरी सैलरी दीजिएगा। इवन कि उनको फ़ोन करके उनका हाल चाल भी लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा काम तो हम सब मिलके कर ही सकते हैं। आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे अब सब लोग घर पे हैं तो अब मेरी रूटीन क्या है, यानी कि मैं कितने बजे उठती हूँ। रूटीन में आप सबको पता है कि मैं 5 बजे से पहले पहले उठ जाती हूँ, लेकिन अभी कोई इतनी भागा दौड़ी नहीं है। सब लोग भी आराम से ही उठते हैं तो मैं भी थोड़ा सा आराम से उठती हूँ। तो जैसे कि मैं 5 बजे से पहले उठती थी तो अब मैं 6:30 के अराउंड उठ जाती हूँ। सुबह उठते ही छत पे जाने की रूटीन मेरी सेम है, लेकिन उसके बाद सीधा किचन में जाने की बजाय अपनी फिजिकल एक्टिविटी को टाइम पहले देती हूँ। आजकल 3 दिन वर्कआउट करती हूँ और 3 दिन सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। अपनी बॉडी की क्लींजिंग के लिए आजकल मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्राई कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मेरा पहला मील दोपहर को 12 बजे शुरू होता है और रात को 8 बजे तक मैं अपना लास्ट मील खत्म कर लेती हूँ। यानी कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली 16 आवर्स मुझे फास्टिंग करनी है और जो कुछ भी खाना है वो 8 आवर्स के अंदर अंदर खत्म करना है। काफी लोग इसे वेट लूज करने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़े दिनों के लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए और इंटरनल क्लींजिंग के लिए यूज कर रही हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि वी आर 6 मेंबर्स फैमिली, तो सबके शेड्यूल भी डिफरेंट होते हैं। किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, तो कोई ऑफिस जा रहा है। लेकिन आजकल सब लोग फ्री हैं, सब लोग घर पे हैं, तो उनका एडवांटेज लेना भी हमारी ही ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली जिसको जो काम पसंद हो अपनी मर्जी का कोई भी काम उठा सकता है, क्योंकि बच्चे इस वक्त हमारे साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। अगर हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है तो हमारे पास वो टाइम होना भी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप हमारे काम में हेल्प करो तो हमारे पास टाइम सेव होगा। वीकेंड की बजाय हम डेली आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं। तो सबसे पहले आज बच्चों को ड्यूटीज़ मिली हैं डस्टिंग करने की। जैस्मिन कर रही है ग्राउंड फ्लोर की डस्टिंग और उदय कर रहा है फर्स्ट फ्लोर की डस्टिंग। लेकिन डेली अगर मैं दोनों को एक ही तरह का काम दूंगी, एक ही जगह का काम दूंगी, तो शायद वो जल्दी बोर हो जाएंगे। इसलिए मुझे उनके काम को भी रोटेट करना पड़ेगा ताकि घर में रहना उन्हें भी बोरिंग ना लगे। उदय को तो कुकिंग का भी इंटरेस्ट, कभी कुकिंग तो कभी पेंटिंग और कभी घर का कोई काम। तो इस तरह से बच्चों का टाइम बहुत ही आराम से पास हो जाएगा। हम लेडीज डेली एक ही तरह की रूटीन को फॉलो करती हैं और कितनी बार तो कई कई दिन तक हम घर से बाहर भी नहीं निकलती, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स किसी ना किसी रीजन की वजह से घर से डेली बाहर जाते हैं। और यही टाइम है सबको होम मेकर की ड्यूटी से इंट्रोड्यूस करवाने का। तो आप सबकी तरह ही मेरा भी सुबह का काफ़ी टाइम क्लीनिंग में ही जाता है और आजकल कुलदीप जी भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। उनका कहना है कभी गो डाउन जाना और कभी ऑफिस जाना, उसमें बॉडी भी थक जाती है, माइंड भी थक जाता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस भी होता है काम का। लेकिन अभी घर में फ्री बैठे बैठे बीमार हो जाएं, उससे अच्छा है कि घर के कुछ कामों में इन्वॉल्वमेंट दिखाएं ताकि बॉडी और माइंड थका हुआ फील करें। तो बेसिकली वो टायर्ड होना चाहते हैं, क्योंकि मुझे वो कल भी कह रहे थे कि मुझे किसी ना किसी काम में ज़रूर इन्वॉल्व किया करो ताकि मेरी बॉडी टायर्ड फील करे।
वैसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए मेरे पास मेड आती है, लेकिन क्योंकि आजकल आपको पता है कि ब्रेक दिया हुआ है हमने अपनी अपनी मेड्स को, और वैसे भी फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग मैं वीक में 2 बार करवाती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि वायरस का खतरा है तो उसके लिए डेली मुझे दोनों फ्लोर क्लीन करने पड़ते हैं। एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली डेली फ्लोर क्लीन करने से पहले पानी में आपको डिटर्जेंट और फ्लोर क्लीनर दोनों ऐड करने हैं। जो भी गाइडलाइंस एक्सपर्ट्स बताते हैं उन्हें फॉलो करने के अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है। प्लीज गाइडलाइंस को फॉलो करें और सेफ रहें। अम्मा एज यूजुअल अपनी ड्यूटी पे एक्टिव और ऑन रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उन्हें फ्री बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं जो सूख चुके हैं और मम्मा इनको सेट कर रहे हैं। ऑफिस का जितना भी काम घर से हैंडल हो सकता है आप सब भी वो कर रहे होंगे, लेकिन ये टाइम सेल्फ एनालाइज का भी है। रीजन चाहे कोई भी हो, लेकिन पूरी फैमिली को एक साथ वक्त बिताने का चांस शायद दोबारा ना मिले, क्योंकि काम के पीछे तो इससे पहले भी हम दौड़ ही रहे थे और इसके बाद भी दौड़ेंगे ही, लेकिन जिंदगी ने मौका दिया है रुक के ये सोचने का कि सिर्फ दौड़ना ही जिंदगी नहीं है। आजकल मेरी किचन पे सिर्फ मेरा ही राइट नहीं है, घर के बाकी मेंबर्स भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये बैठे बैठे ना जाने उनको दिन में कितनी बार भूख लगती है और दिन में कितनी बार डिमांड होती है कभी कुछ तो कभी कुछ खाने की। उदय का कुछ खाने का मन हो तो कोई उसे बना के दे, इस चीज की वेट वो नहीं करता है, और आजकल पापा को भी कुकिंग सिखा रहा है। सबके घर में रहने से ऐसे फूड्स की डिमांड बढ़ गई है जो पहले बहुत रेयर बनते थे। आज लंच में बनाऊंगी मैं कड़ी राइस, और डिमांड है पकौड़ा कड़ी की। पकौड़े बनाने के लिए फ्रेश पालक लीव तोड़ के ले आई हूँ मैं गार्डन से, बस इनको वॉश करके मैं बारीक बारीक काट लूंगी। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी कोई नई नहीं है, लेकिन आपकी हमेशा डिमांड होती है कि व्लॉग में जो भी मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी जरूर शेयर करूँ। सबसे पहले पकौड़ा बनाने के लिए बेसन में थोड़ी सी पालक डाली है, काट के प्याज डाल दिया है, आमचूर डाला है, नमक, हल्दी और लाल मिर्च के अलावा मैंने जीरा भी डाला है, साथ ही पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इसका घोल रेडी कर लेना है जैसे हम पकौड़ा बनाने के लिए रेडी करते हैं, और बस गरम गरम तेल में इनको फ्राई करते जाना है। पकौड़े रेडी हो जाने के बाद थोड़ा तेल मैंने कढ़ाई में से निकाल दिया है, तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा तेल छोड़ा है। साबुत लाल मिर्च डाली है सबसे पहले, और उसके बाद डाला है कड़ी पत्ता, जीरा डालना है, आपने मेथी सीड्स डाल दें, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, और लहसुन डाला है सबसे पहले मैंने कटा हुआ, उसके बाद डाल देंगे इसमें प्याज। कड़ी के लिए प्याज को बहुत ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करती हूँ, ट्रांसपेरेंट ही छोड़ती हूँ। अब दही में डाला है मैंने बेसन, यानी कि 3 कटोरी यहाँ पे दही की ली है तो 1 कटोरी बेसन की। उसके बाद तड़के में सीजनिंग डालेंगे, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, डाल देंगे बेसन का घोल, साथ ही डाल देंगे पानी, और कड़ी के बॉयल होने तक लगातार इसको चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगा। और जैसे ही बॉइलिंग टेम्परेचर पे आए उसमें डाल देंगे गरम मसाला, और इसको कम से कम 1.5 घंटे तक अच्छे से बॉयल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो पकौड़ा हमने बना के रखेंगे, और धनिया पत्ता के साथ इसको गार्निश करेंगे। आजकल सैलड रेडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुलदीप जी ने ले ली है, तो आजकल हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड खाने को मिल रहे हैं। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम आजकल तो आप फ्री होंगे तो जल्दी जल्दी व्लॉग्स डाला कीजिए। तो सुबह के टाइम क्लीनिंग, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के अलावा आजकल जो बच्चे घर पे हैं मेरा रेस्टिंग टाइम चला गया है। लंच के बाद या डिनर के बाद कोई ना कोई गेम उनको खेलनी होती है, तो अभी बस हम लंच कर रहे हैं और उसके बाद हम खेलेंगे डमशराज। रात को डिनर के बाद डेली बेटा मेरे साथ चेस की प्रैक्टिस करता है, तो फ्री ये लोग हुए हैं हमारा तो काम बढ़ गया है। हमारा घर साथ घर एक मिला हिंदी है, एक वर्ड की है, हाथी, जंगली, एक वर्ड था बस। हिंदी 3 वर्ड्स, सेकंड वर्ड मारो, मारोगे, मारो दम मारो। अच्छा अच्छा ठीक है, मारो, चुप कर जा। अच्छा क्या सेकंड वर्ड मारो, ओके अरे यार।
16 वर्ड हिंदी मूछ मूछे पहला वर्ड है पैसा बांटो पैसा बांटो जुआ वाला घोड़ा बड़ा हीरोइक है जो भी तलवार बाज भी करता है बाबा यार वो जो इन्होंने गाना भी गाया था घुमर घुमर पद्मावती नहीं और का मुंह पे पेन नाइन वो ये ला दिया इधर म्यूजिक भी था सही बोल रहा सेवा की अवस्था हां लाफ मारो फुटबॉल लाफ तो जमा कहते कहती एक मिनट में ढूंढ लेंगे गोलकीपर से हां हालात मान लिए किसी ने फुटबॉल खेल रहे हैं वो लोग हिंदी में फुटबॉल को फुटबॉल को हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं फुटबॉल फुटबॉल को इंग्लिश फुटबॉल ही कहते हैं सॉकर सॉकर आगे तो बोलो बस पापा ये क्या बोल रही है फुट गेम लेग लेग हर्ट लात मारी इजी यार किक 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 यस कड़ा बनाया मेरे को किसने बनाया किसने बनाया कड़ा मुझे खुशबू आ रही है कोई नहीं बनाया मैं भी देखता हूँ कड़ा क्यों बनाया मेरे को क्यों बनाया कि मेरे को पता नहीं मेरे को बनाना ना आ रहा है कड़ा के शौकीन मम्मा छुपा दो मैंने तो खा लिया कि मैं मेरे पता लग जाए मैं सीखने वाला मांगी मेरे सामने बनाओ मैं तुम्हारी द्वारा मिलता नहीं करनी है मैं क्यों बना लेगा पापा रेसिपी रिकॉर्ड कर दी गई है आप देख लेना गुड वेरी गुड किसने रिकॉर्ड किया आपको नहीं मिलेगी पर यूट्यूब चैनल पे होगी तो मिलेगी क्यों नहीं देखिए सिंपल सी बात है तेरे को कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तू किचन में घुसती तक नहीं है और ये सिर्फ बातें ही करने वाला इंसान है मैं देखना चाहूंगी जब तुम दोनों बाप बेटी हलवा बनाओगे और सिर्फ मैं ही क्यों पूरे व्यूअर्स देखना चाहेंगे कि तुम लोग कैसा हलवा बनाते हो और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग देखना चाहते हैं इन दोनों को हलवा बनाते हुए ठीक है ठीक है यूट्यूब पे वीडियो जाएगी कल उसकी रेसिपी जाएगी और तुम वहां से देखना ओके डन अच्छा ये मम्मा के पीछे गया है हल्दी की खुशबू पे है ना आ गया चीची के नाम पे चीची के नाम पे कैसे आ जा आ जा जैस्मिन और उसके पापा की डिमांड डेली होती है कि बेसन का हलवा बनाओ लेकिन वीकेंड पे ही हम मीठा बनाते हैं और इसी वजह से उन्हें हमसे काफी शिकायत भी रहती है प्रीवियस ब्लॉग में बेसन का हलवा देख के आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करें इसलिए मैंने मम्मा को रिक्वेस्ट की और वो बना रहे थे बेसन का हलवा लेकिन घर में हमने किसी को बताया नहीं था पर इसकी खुशबू कहाँ रुकने वाली होती है पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी थी और कुलदीप जी ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है मैंने कितनी बार आपको कहा कि हमें सिखा दो बेसन का हलवा कैसे बनाते हैं उसके बाद हम आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे और खुद बना लिया करेंगे तो इक्वल क्वांटिटी में लेना है बेसन और देसी घी मम्मा तो अंदाजे से डालते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है बाकी जो रेशो होती है वो यही होती है कि अगर 1 कप बेसन है तो 1 कप ही आपको घी लेना है और 1 कप ही शुगर लेकिन शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसका मेन पार्ट है बेसन को अच्छे से रोस्ट करना 15 से 20 मिनट इसमें आपके जाएंगे और अगर घी पूरा ना हो तो भी बेसन कच्चा रह जाता है और टेस्ट उसका उतना अच्छा नहीं आता तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि इसका कलर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है और यही चीज़ हमें चाहिए बेसन का जो एक्चुअल कलर होता है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए जब बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का बेसन हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब पूरे घर में फैल जाती है तब समझ लीजिए कि आपका बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है उस वक्त हम डालेंगे फिर इसमें शुगर के बाद धीरे धीरे हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे तो पानी यहाँ पे मम्मा ने गर्म लिया है आप चाहे तो ठंडा भी ले सकते हैं गर्म पानी इसलिए डाला है ताकि शुगर जल्दी मेल्ट हो जाए और हलवा बनने का प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट हो जाता है जैसे जैसे पानी ड्राई होता जाएगा हलवा रेडी होता जाएगा
अगर किसी को हल्की खांसी वगैरह हो तो मम्मा कहते हैं कि पतला पतला हलवा बनाना चाहिए बेसन का, जिससे कि गले को राहत मिलती है। उसके बाद अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और हलवा रेडी है। तो लेडीज, आपके पास मौका है, आप अपने घर के उन मेंबर्स को भी कुछ ना कुछ काम जरूर सिखा सकते हैं जिनको हाउस वर्क की बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं। और यहीं से अंदाजा हो जाता है कि हम लेडीज कितनी पावरफुल हैं, कितनी स्ट्रेंथ है हमें, कि सिर्फ लेडीज ही हैं जो बाहर और घर दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल सकती हैं। सो बीइंग अ वुमन यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आई होप कि आप भी अपनी फैमिली के साथ इस वक्त को एंजॉय कर रहे होंगे। सो स्टे अवेयर, स्टे सेफ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।